हेलो डियर स्टूडेंट्स, हियर आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। हम ये पढ़ रहे थे, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं। आज हमने पढ़ना है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन ह्यूमन, है ना बेटा। हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बात करी थी ना, तो आज हम पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। ठीक है, ह्यूमन्स में कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं या उन्हें बीमार कर सकते हैं या हम लोगों को बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ओके, सो पैथोजन, अच्छा हमने पैथोजेंस के बारे में पढ़ा था ना। हमने कहा था डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, पैथोजेंस। यहाँ हमने पढ़ा था, और पैथोजन मींस रोगजनक, यानी कि जो बीमारियों को पैदा करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कह देते हैं। ठीक है, तो पैथोजेंस एंटर आर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ। तो बहुत सारे पैथोजन ऐसे होते हैं जो कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, और द वॉटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, साथ ही साथ हवा के साथ तो जाते ही हमारी बॉडी के अंदर, साथ ही साथ जो पानी हम पीते हैं अगर पानी साफ नहीं है तो उसके थ्रू भी जाता है, और साथ ही साथ जो खाना हम खा रहे हैं उसके थ्रू भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाई एन एनिमल। तो ये साथ ही साथ ये किसके कॉन्टैक्ट में आने से हो सकते हैं, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर हम किसी ऑलरेडी बीमार पर्सन के कॉन्टैक्ट में हैं, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए तो, या किसी एनिमल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए तो उससे भी क्या हो सकता है, ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनके हो सकते हैं, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, और अगर कोई ऑलरेडी बीमार है उसके कॉन्टेक्ट में आने से। ठीक है, तो माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ऐसी माइक्रोबियल डिजीजेज, यानी कि सूक्ष्म जीवों से होने वाली ऐसी बीमारियां या वो बीमारियां जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैल सकती है, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, या एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में टच करने से या सामान को लेने से एक दूसरे के, उससे हो सकती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, यानी कि कॉन्टैक्ट में आने से होने वाली डिजीज, तो उनको क्या बोल देते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो जैसे कि सर्दी, जुखाम, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, कॉलेरा, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो कि कॉन्टैक्ट में आने से होते हैं। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, तो अगर किसी इंसान को नॉर्मली जुखाम हुआ है तो वो क्या करेगा, छींक मारता है ना, स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। जब कोई इंसान जिसको जुकाम हुआ है वो जब छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स, जो पानी की बूंदें टाइप जो नोज से निकलती हैं, वो क्या करती हैं, उसमें हजारों की संख्या में वायरस होते हैं जो कि हवा में फैल जाते हैं। तो उस टाइम क्या होगा, अगर आसपास कोई खड़ा है तो उसकी बॉडी के अंदर भी सांस के थ्रू, जब वो सांस लेता है तो उसके थ्रू बॉडी के अंदर जाने का खतरा रहता है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। तो उस टाइम पे वो वायरस क्या हो सकता है, हेल्दी पर्सन की बॉडी में सांस लेते टाइम एंटर कर सकता है और उसे भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी आप छींकते हैं, जब भी आप खांसते हैं, तो अपने पास क्या रखना चाहिए, अपने पास हैंकी रखना चाहिए, हैंगर चीफ हम उसे कहते हैं ना, तो उसे अपने पास रखना चाहिए, और या टिश्यू पेपर हमारे पास होना चाहिए, और जिससे कि हम जब हमें खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो उसे अपने मुंह पे हम रख सकें और जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में ना जा पाएं, जिससे कि दूसरे पर्सन को
इन्फेक्शन ना हो। तो यही चीज आजकल हम कोरोना में भी देखने को मिल रहा है ना, खांसी से, छींक से। क्या हो रहा है, अगर आप खांसते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कोरोना हुआ है, वो खांसता है, छींकता है ऐसे खुले में, बिना टिश्यू का यूज़ किए, बिना हैंकी का यूज़ किए, तो उसके जो बॉडी के जो कोरोना का वायरस होगा वो क्या हो जाएगा, निकल के एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाएगा। यही रीज़न है कि कहा जा रहा है कि मास्क का यूज़ कीजिए, और साथ ही साथ जब आप छींकते और खांसते हैं तो उस टाइम पे हमें हैंकी का या टिश्यू पेपर का यूज़ करना है, ठीक है। और ये एक अच्छी आदत होती है, गुड हैबिट्स में इनको रखा जाता है, या अच्छी आदत वाले अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आप गुड स्टूडेंट्स में आएंगे। आप इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अच्छे मैनर्स हैं, ठीक है। तो बूजो पूछ रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो आप कैसे बच सकते हैं या कैसे आप प्रिवेंट होंगे ये कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से, हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहली उसे बता रही है, वे शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज, हैंकरचीफ मीन्स हैंकी, रुमाल, ठीक है, ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, जब हम छींक रहे हैं तो उस टाइम पे हमें अपनी नाक में और अपने मुंह में क्या रखना चाहिए, हैंकी यानी कि रुमाल रखनी चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन्स, और ये अच्छा आइडिया रहेगा कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हम थोड़ी दूरी बनाए रखें, ठीक है। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो कैरियर्स मीन्स वाहक, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल होते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, ये जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे डिजीज को कैरी करके लेके आने का काम करते हैं, मींस कि अपनी बॉडी के अंदर बीमारी को लेके आते हैं और फिर वो किसी और को, खुद तो इन्फेक्ट नहीं होते हैं लेकिन किसी और को वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम में डाल देते हैं। जैसे हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी, मक्खी सबने देखी है ना, हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। तो हाउस फ्लाई भी क्या होती है, वाहक का काम करती है। कैसे, द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, फ्लाइज क्या करती है, ये मक्खियाँ क्या करती हैं, कूड़े में और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है ना, जो वेस्ट होता है जो बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है बॉडी के थ्रू, उसमें बैठती है। अब जो पैथोजन उस एनिमल एक्सक्रेटरा में और जो उस कूड़े में थे, वो पैथोजन की बॉडी, वो जो पैथोजन है वो हाउस फ्लाई की बॉडी में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन्स, तो जब वही फ्लाई जिसकी बॉडी में ये गंदे गंदे पैथोजन्स लगे हुए हैं, वो हमारे किसी ऐसे फूड पे बैठ गई जो हमने ढक के नहीं रखा था, कवर करके नहीं रखा था, तो क्या होगा, वो पैथोजन उसकी बॉडी से क्या हो जाएंगे, उस खाने में ट्रांसफर हो जाएंगे। हूएवर ईट द कंटामिनेटेड फूड, अब ये कंटामिनेटेड मीन्स खराब जो खाना है, तो जो भी इसको खाएगा इज लाइकली टू गेट सिक, हो सकता है वो बीमार हो जाए। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज की फूड कवर्ड, इसीलिए कहा जाता है, हमेशा आपको एडवाइस दी जाती है कि हमेशा खाने को क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, ठीक है। और अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज एन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, तो एक और कैरियर है मॉस्किटो, मच्छर सबने देखे है ना, तो मच्छर की भी अलग अलग वेराइटीज होती है, अलग अलग टाइप के मच्छर होते हैं। तो एक मच्छर होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फिगर 2.8 में आपको दिखाया गया, ये मॉस्किटो होता है फीमेल एनाफिलीज, फीमेल होती है, ठीक है। मॉस्किटो भी मेल और फीमेल होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स भी गर्ल को फीमेल और बॉयज को मेल कहा जाता है ना, वैसे ही मॉस्किटो में भी मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो भी हाउस फ्लाई की तरह ही कैरियर होती है, लेकिन कौन सी डिजीज की होती है देखते हैं, तो फीमेल, और देखिए, और ये मलेरिया को कॉज करती है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कहते हैं ना, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है बोलते हैं ना, तो मच्छर मलेरिया कॉज नहीं करता है, मच्छर मलेरिया को लेके आता है बेटा। मच्छर के होता क्या है ना, देखिए क्या दिया है, मॉस्किटो विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो कि मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करके लेके आता है। और मलेरिया का जो एक्चुअल पैरासाइट होता है ना, जिससे मलेरिया होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन होता है जिस जो एक्चुअल कॉज है, अगर ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर किया तो हमें मलेरिया हो जाएगा या ह्यूमन बींग को मलेरिया हो जाता है। तो
मलेरिया को कैरी करके ऐसे ही प्लाज्मोडियम गंदी गंदी गंदगी वाली जगहों में होता है, जहाँ पे पानी रुका हुआ होगा वहाँ होता है। तो मॉस्किटो तो ऐसी जगहों में रहता है ना जहाँ पानी रुका हुआ रहेगा या जहाँ गंदगी होती है, नालियों के आसपास मॉस्किटो देखने को मिलते हैं, तो वहीं पे प्लाज्मोडियम भी प्रेजेंट रहता है। मॉस्किटो अगर उन जगहों में गया तो उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम आ जाता है, फिर वही मॉस्किटो अगर ह्यूमन को काटता है तो उसकी बॉडी से प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है और जिससे कि मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो मलेरिया को कॉज करने का जो रीजन है वो प्लाज्मोडियम है, लेकिन उसे कैरी करके कौन लेके आता है? मॉस्किटो। ठीक है, मच्छर कैरी करके जरूर आता है, लेकिन मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होता है तब तक जब तक कि प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर ना जाए। फिर ऐसे तो फिर जितनी बार भी फीमेल एनोफिलीज काटती है उतनी बार मलेरिया हो जाता ना, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तब तक नहीं कॉज कर सकता है मलेरिया जब तक उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम स्ट्रिक ना करे या प्लाज्मोडियम ना जाए। ठीक है, दूसरा एक और मॉस्किटो होता है फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये भी फीमेल होती है, इसका नाम होता है एडीज मॉस्किटो, एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो डेंगू से तो हर साल कितने लोग मरते हैं ना हम सुनते हैं, तो डेंगू वायरस को कैरी करने का काम किसका होता है? एडीज मॉस्किटो। सिमिलरली एनाफिलीज मॉस्किटो की ही तरह इसके पास भी ये भी कॉज नहीं करता है, ये भी कैरियर होता है। ठीक है, कैरी करके लेके आता है। ठीक है, तो बोल रहा है हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम कैसे इसके फैलने को रोक सकते? स्प्रेड मीन्स फैलना, ठीक है, कंट्रोल मीन्स रोकना। कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं मलेरिया और डेंगू के फैलने से? तो अभी हम पढ़ते हैं आगे। तो देखिए पहेली कह रही है, व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो आपकी टीचर्स या आपके टीचर्स आपसे बार बार कहते होंगे, ऐसे ही पहेली के टीचर्स भी हैं जो कहते हैं कि बेटा पानी को इकट्ठा एक जगह नहीं करना है, अपने आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, पानी को जमा नहीं होने देना है। तो पहेली जानना चाहती है कि ऐसा क्यों, टीचर बार बार ऐसा क्यों कहती है। तो अभी पहेली को आंसर मिलने वाला है और हमें भी आंसर वाला है। ओके, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, जितने भी टाइप के मॉस्किटो है भले वो फीमेल एनाफिलीज है या एडीज मॉस्किटो है, जितने भी टाइप के मॉस्किटोज हैं वो क्या करते हैं, सबके सब वाटर में ब्रीड करते हैं, वाटर में अपनी नंबर्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, तो इसीलिए किसी को भी पानी जमा नहीं होने देना है। कहाँ? कूलर में, जैसे टायर्स रखे रहते हैं तो उसमें बारिश आती है तो पानी जमा हो जाता है, तो उसे फेंक देना है में, फ्लावर पॉट में, बहुत सारी जगहों में होता है जहां पे को हम पानी ऐसे ही इकट्ठा हुआ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो जब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की जगहों को साफ रखेंगे, सूखा रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो हम मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को वहां पर रोक सकते हैं, मॉस्किटो का वहां पर आना रोक सकते हैं। तो मिल गया ना पहली को आंसर, क्यों टीचर बोलती है पानी जमा नहीं करना है, वो इसलिए है क्योंकि जमे हुए पानी में या रुके हुए पानी में जो मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो आप क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है जो कि आपको हेल्प करेगी मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए। ठीक है, तो एक लिस्ट आपने बनानी है। और सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, कुछ कॉमन डिजीजेज होती हैं जो ह्यूमन को अफेक्ट करती है, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जर्नल मैथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। तो कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है और कुछ जर्नल मोड कैसे हम फैलने से रोक सकते हैं, ये हमें टेबल 2.1 में दिया है, हम ये पढ़ेंगे। और आपका होमवर्क क्या है बेटा आज का, आपका होमवर्क है एक लिस्ट बनानी है आपने, और लिस्ट बना के क्या करना है, कौन किस चीज़ की लिस्ट बनानी है, कैसे आप मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं। उसके बाद वो लिस्ट बनाने के बाद आपको पिक्चर क्लिक करनी है और कमेंट में भेज देना है, या कमेंट में आप टाइप भी कर सकते हो। ओके, सो हम मूव करते हैं अपने टेबल की तरफ। ठीक है, तो टेबल 2.1 में अब देखिए, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होने वाले कुछ कॉमन डिजीजेस हमें इसमें दी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम हमें दिया है क्या, ह्यूमन डिजीज, सेकेंड वन इज कॉजेटिव एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन उसकी किसकी वजह से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, और प्रिवेंटिव मेजर, जर्नल प्रिवेंटिव मेजर कैसे हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कि हम
टीबी भी कहते हैं, ठीक है। ये कैसे फैलता है? ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है और इसका ये एयर के थ्रू फैलता है, ठीक है। और कैसे बच सकते हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। आइसोलेशन का मीनिंग तो आजकल आप बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना, आइसोलेट करना, उसको किसी के कांटेक्ट में नहीं लाना। आजकल यही हो रहा है ना बेटा, आइसोलेशन वगैरह ही तो हो रहा है ना कोरोना की वजह से। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। तो जितनी भी पर्सनल चीज़ें हैं पेशेंट की, उसे दूसरों के कांटेक्ट में नहीं लाने देना है, उसे दूर करना है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। तो जब इसकी वैक्सीन दी जाती है तो उस एज पे वैक्सीनेशन भी करवानी चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है? मीजल्स। मीजल्स भी वायरस की वजह से होता है और एयर की वजह से फैलता है, और इसके भी प्रिवेंटिव मेजर्स वही हैं कि हमें आइसोलेट करना है पेशेंट को, टच नहीं करने देना है किसी को, और वैक्सीन देनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वायरस की वजह से फैलता है और या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की, पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है, या एयर से। एयर से कैसे फैलेगा? उसने छींका खांसा तो उसकी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। और प्रिवेंटिव मेजर्स वही हैं जो हमने वाक्यों में पढ़े। पोलियो। पोलियो वायरस होता है, पोलियो तो हमने पढ़ा अभी पीछे। ये एयर और वाटर से फैलने वाला डिजीज होता है। वाटर में भी पोलियो का वायरस होता है, एयर में भी पोलियो का वायरस होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? जनरल प्रिवेंटिव ये, ठीक है, वैक्सीनेशन। हमें पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है ना, तो जरूरी है कि पोलियो की ड्रॉप आप पिए और थोड़ा दूर रहें इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है। नेक्स्ट इस कॉल अभी तक हमने क्या पढ़े? बैक्टीरिया, वायरस, 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 बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली डिजीज पढ़ी। दूसरा क्या पढ़ते हैं? कोलेरा एंड टाइफाइड। कोलेरा और टाइफाइड ऐसी डिजीज हैं जो कि दोनों ही बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। और एक सेम बैक्टीरिया नहीं होता बेटा, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो कोलेरा होता है वो भी एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। कोलेरा के लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कहाँ कहाँ से फैल सकता है? कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड, ठीक है, खाने की गंदगी और फूड की वजह से ये क्या होता है, फैलता है। और दूसरा, वाटर में अगर पानी साफ नहीं है तो उससे भी ये फैल सकता है, ठीक है। और इससे हम कैसे बच सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। हाइजीन मीन्स साफ सफाई रखनी है, एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। हमारी सैनिटरी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए और हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, हमें वो खाना खाना चाहिए जो कि अच्छे से पका हुआ है। एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमें पानी कौन सा पीना चाहिए जो कि बॉयल्ड हो, बॉयल करके रखा हो। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम, जब इसका टाइम होता है वैक्सीनेशन का इन डिजीज के लिए, उस एज में हमें वैक्सीन्स का यूज करना चाहिए या वैक्सीन्स लगा अपने बॉडी में एंटर करवानी चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से फैलता है और पानी में इसका वायरस प्रेजेंट रहता है। और बच कैसे सकते हैं? ड्रिंक बॉयल ड्रिंकिंग वाटर। तो पानी अगर हम बॉयल करके पियेंगे तो हम बहुत सारे डिजीज से बच सकते हैं, और वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस का वैक्सीन होता है जो कि लगाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन इज मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्रोटोजोआ, ओके। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू फैलता है? मॉस्किटो के थ्रू, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना, मलेरिया फैलता मच्छर से जरूर है, मच्छर की वजह से फैलता है, लेकिन मलेरिया कॉज करने वाला एक्चुअल एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होता है? प्रोटोजोआ, जिसे कि हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम, ओके। अब इससे कैसे बच सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर क्या होते हैं? यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स। तो हमें क्या करना चाहिए? मॉस्किटो नेट होता है ना, जो मच्छरदानी जिसे कहते हैं, उसका यूज करना चाहिए, और स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स इनका यूज करना, मतलब कि मच्छर को भगाने के जो जो स्प्रे होते हैं और कॉयल्स वगैरह जो आते हैं ना, उनको हमें यूज करना चाहिए। और कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। मॉस्किटो की ब्रीडिंग को या मॉस्किटो के नंबर को इंक्रीज होने से हमने कंट्रोल करना है, और हम वो कैसे कर सकते हैं? हमारे आसपास पानी जमा होने से रोकना है, ठीक है, सफाई रखनी है। तो इन सारी की सारी डिजीज में प्रिवेंटिव मेजर जो हमने देखा, उसमें हमने देखा कैसे प्रॉपरली हम कैसे अपने आसपास सफाई रख के, कैसे वैक्सीनेशन करवा के, कैसे पानी को बॉईल करके खान पीने से, कैसे खाने को पूरी तरीके से पका के खाने से, कैसे पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आने से हम इन सारी डिजीजेस से बच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे जाते हैं। आगे हमारा क्या है?
डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, एनिमल में कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से डिजीज होती है, ठीक है। तो सेवेरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन में ही डिजीज को कॉज नहीं करते हैं, प्लांट्स में ही डिजीज को कॉज नहीं करते हैं, बल्कि जो दूसरे जानवर होते हैं, दूसरे एनिमल होते हैं, उनमें भी ये डिजीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। तो एंथ्रेक्स नाम की एक बीमारी होती है जिसमें कि ना चेस्ट पेन, फोड़े फुंसी निकलना, स्किन का बहुत ज़्यादा रफ हो जाना, लम्ब्स निकलना, बहुत सारे इसमें फीवर वगैरह इसमें होता है। तो ये किस किस में होता है, ये ह्यूमन में भी और कैटल में भी होने वाली डिजीज है जिसका रीजन क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। डिजीज कॉज बाय अ बैक्टीरियम, बैक्टीरियम की वजह से ये डिजीज होती है। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय अ वायरस। तो कैटल में आपने मुंह में और पैरों में देखा होगा ना, डिजीज हो जाती है उनकी, बहुत अजीब सा हो जाता है उसमें, तो वो भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, ठीक है। तो ह्यूमन और प्लांट ही नहीं, एनिमल भी क्या होते हैं, इन वायरस और बैक्टीरिया से अफेक्टेड रहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में एक साइंटिस्ट की फोटो फोटो लगी हुई है। तो क्या है, इनका नाम क्या है, रॉबर्ट कोच, ये साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट कोच। 1876 में इन्होंने डिस्कवर किया द बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रासिस। तो बेसिलस एंथ्रासिस के बारे में इन्होंने बताया जो कि एंथ्रेक्स डिजीज करता है या जिसकी वजह से एंथ्रेक्स डिजीज होती है ह्यूमन एंड कैटल में। तो उसके बाद उसकी दवाइयाँ बनाई गई क्योंकि फिर बैक्टीरिया को पहचान लिया गया था। ओके, और किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। नाउ हियर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। तो कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटेटो, सुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वीट में, गेहूं में, चावल में, आलू में, गन्ने में, सुगर केन मीन्स गन्ना, ऑरेंज संतरे में, एप्पल में और बाकी अदर जो प्लांट्स हैं उनमें डिजीज कॉज करते हैं। द डिजीजेस रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। तो इनकी इनमें बीमार होने का मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज। तो अभी टेबल 2.2 हमें मिलेगी, उसमें हम देखेंगे प्लांट डिजीज के बारे में। दे कैन बी कंट्रोल बाय यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। तो इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज करके हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं जो कि इन माइक्रोब्स को, इन बैक्टीरिया को, इन वायरसेस को क्या करेगा, मारने का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2.2। तो फर्स्ट कॉलम आपका है प्लांट डिजीज का नेम, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होता है, थर्ड है मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, तो प्लांट डिजीज सिट्रस कैंकर, ठीक है, सिट्रस कैंकर नाम की एक प्लांट की बीमारी होती है, प्लांट्स में हो जाती है, जिस जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होती है और कहाँ से फैलती है, हवा से, ठीक है। दूसरा रस्ट ऑफ वीट, वीट में रस्ट हो जाता है, वो एक फंजाई की वजह से फैलता है और एयर और सीड्स के थ्रू ये फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट येलो विन मोजेक ऑफ भिंडी, ठीक है, भिंडी जो कि लेडी फिंगर होती है, उसे ओकरा जो होता है उसमें क्या हो जाता है, येलो कलर की वेन्स हो जाती है, येलोइश कलर का दिखने लगता है, तो एक वायरस की वजह से होता है और इंसेक्ट्स के थ्रू ये फैलता है। वो वायरस कौन कैरी करके लाता है, इंसेक्ट्स कैरी करके लाते हैं, तो इंसेक्ट्स की वजह से ये होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट डिजीजेस थी जो हमने पढ़ी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड पॉइजनिंग। आपने बहुत बार फूड पॉइजनिंग वर्ड नेम सुना होगा। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है, अभी पढ़ते हैं हम। देखिए इसमें बूजो के बारे में दिया गया है। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स। तो बूजो को उसके फ्रेंड ने एक पार्टी में बुलाया था, पार्टी थी फ्रेंड के घर में और बूजो बहुत मजे से गया और उसने बहुत सारी चीज़ें खाई वहाँ, बहुत अलग अलग तरीके का खाना खाया। ऑन रीचिंग होम, जब वो घर पहुँचा, he started vomiting and had to be taken to a hospital। उसको क्या हो गई, घर आने के बाद उसे बहुत ज्यादा vomiting, vomiting यानी कि उल्टी हो गई, ठीक है, और इतनी ज्यादा हो गई कि उसे hospital ले जाना पड़ा। The doctor said that this condition could be due to
फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है ये ऐसा फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ हो, यानी कि जो खाना खाया उसमें पॉइजन। ऐसा कहीं होता है खाना कभी पॉइजन बनता है? तो पहेली वॉन्डर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। तो पहेली तो सोचती रह गई, पहेली तो सरप्राइज शॉक हो गई कि खाना पॉइजन कैसे बन गया, खाना जहर कैसे बन गया, फूड पॉइजनिंग कह रहे हैं डॉक्टर। तो अब देखते हैं कैसे होता है ये फूड पॉइजनिंग। पॉइजन मीन्स जहर होता है ना बेटा। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड पॉइजनिंग कब हो सकती है? जब हमने ऐसा खाना खा लिया जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है, फंजाई हो सकता है, उसकी वजह से उसने खाने को खराब किया था इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने और हमें पता नहीं चला। और वो कैसे होगा? जब हम अनकवर छोड़ देते हैं खाने को, ठीक है, और हमने वो खाना खा लिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन आर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो जो हमारे खाने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और कुछ टॉक्सिन उसमें टॉक्सिक क्या कर देते हैं, कुछ उनकी बॉडी का जो टॉक्सिक है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, वो बना देते हैं और खाने में छोड़ देते हैं। दिस मेक्स द फूड पॉइजनस, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है? फूड खराब हो जाता है, जहरीला खाना हो जाता है और ये क्या कर देता है? बहुत ज़्यादा बीमार कर देता है और कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है। तो हमेशा मेक श्योर कि आप जो खाना खा रहे हैं वो ढका हुआ खाना था, आप जो खाना खा रहे हैं वो साफ जगह में बना हुआ था, आप जो खाना खा रहे हैं वहाँ पे जिसने बनाया था प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके वो बनाता है, आप जो सब्जियाँ खा रहे हैं उन्हें आपने धोया था बनाने से पहले। तो हमें साफ सफाई का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है, ठीक है, अदरवाइज फूड पॉइजनिंग हो सकती है और फूड पॉइजनिंग से बहुत बीमारियां भी हो जाती है और साथ ही साथ कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बींग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने खाने को क्या करें, प्रिजर्व करके रखें ताकि हम वो खाना खराब होने से बच जाए, ठीक है। आप कैसे प्रिजर्व करें फिर? खाने को प्रिजर्व करने का तरीका भी तो हमें आना चाहिए ना। आप बोलोगे मैम तो कह रही है कि प्रिजर्व कर रहे हैं और बता तो नहीं रही है कि कैसे प्रिजर्व करना है, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे फूड प्रिजर्व होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही तो है, फूड प्रिजर्वेशन। इन चैप्टर वन फूड प्रिजर्वेशन मीन्स कैसे फूड को प्रिजर्व करके संभाल के अच्छे से हम रखें जिससे कि खाना खराब होने से बच सके, ठीक है, ओके। तो इन चैप्टर वन, चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? वी हैव लर्न अबाउट द मैथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने पढ़ा था ना कैसे हम खाने को, फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखेंगे, कैसे उसे बचाएंगे, कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, हाउ डू वी प्रिजर्व। अब वो तो कच्चा था, जो ग्रेन्स थे उनकी बात करी, बट अब क्वेश्चन आता है हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। खाना बनाया हुआ कैसे प्रिजर्व करेंगे? उनमें तो नीम की पत्तियां डाल के हम नहीं रख सकते, उनको तो हम बड़े बड़े कंटेनर में नहीं रख सकते, है ना। तो अब इसमें क्या करें, इसमें क्या कर सकते हैं? तो यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये, तो जो ब्रेड हम ऐसे ही छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत मॉइस्ट कंडीशन में तो वो क्या हो जाता है, उसमें फंजाई आ जाती है, आपने पढ़ा है ना, उसमें छोटे छोटे ग्रेइश ब्लूइश ग्रीनिश कलर की फंजाई आपने देखी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आर फूड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं? हमारे खाने को खराब कर देते हैं और स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैड अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। तो जो खराब खाना होता है उसमें गंदी सी स्मेल आती है, गंदा सा टेस्ट आता है और कलर भी चेंज हो जाता है उसका। इज स्पॉइलिंग ऑफ अ फूड अ केमिकल रिएक्शन? तो क्या इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन क्या इसमें होती होगी? खाना जब खराब हो रहा है तो क्या केमिकल रिएक्शन का ये रिजल्ट है? क्या केमिकल रिएक्शन होती है इसमें? तो देखते हैं, पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली, आजकल तो मैंगोज का सीजन है ना बेटा, आप लोग भी तो खा रहे होंगे। तो पहेली ने भी क्या किया, उसने कुछ मैंगोज खरीदे लेकिन उसने खाए नहीं, कुछ दिनों के लिए उसने छोड़ दिया। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड। जब उसे याद आया अरे मैं तो मैंगो लाई थी, मेरा तो आज बहुत मन है मैंगो खाने का, पहेली को लगा और वो गई और उसने देखा कि मैंगो तो खराब हो गए, वो सड़ गए, स्पॉइल्ड एंड रॉटन, ठीक है, रॉटन मीन्स सड़ जाना, खराब हो गए थे। But she knows that the mango
मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट अब प्रॉब्लम ये हुई ना, अब पहली के दिमाग में डायरेक्ट आया कि उसे पता था, उसने कहा अच्छा मेरी दादी माँ ने जो अचार, पिकल मीन्स अचार, जो आम का अचार बनाया था वो तो इतने टाइम से घर में है, वो ख़राब नहीं हुआ, और ये जो मैंगो मैं 2 दिन पहले लाई थी अभी ख़राब हो गए, इतनी जल्दी ख़राब हो गए। तो वो हो गई कन्फ्यूज़ की ऐसा कैसे हुआ, वो अचार तो इतने टाइम तक रहा है, अभी भी है, अभी भी मैं खाती हूँ, अभी भी साफ सुथरा है, अभी भी उसमें कोई माइक्रोबियल अटैक नहीं हुआ है, वो सड़ा नहीं, लेकिन ये सड़ गए। अब वो हो गई कन्फ्यूज। ठीक है, पहेली का कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। हाँ, आप लोग भी कन्फ्यूज हो गए तो आपका और पहेली का सबका कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। लेट अस स्टडी द कॉमन मैथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आर होम। सो चलिए पढ़ते हैं कुछ कॉमन मैथड हमारे घर में जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें जरूरी है, हमें इसको सेव करना होता है, हमें इसे सेव करना है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सी मेथड, हम पढ़ते हैं केमिकल मेथड। ठीक है, तो केमिकल मेथड क्या होती है, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो सॉल्ट होता है, नमक होता है और ऑयल होता है जो हम यूज़ करते हैं खाने में, ये कॉमन केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोकते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि वो प्रिजर्व करते हैं, है ना। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटर्स टू पिकल। तो हम अचार में क्या डालते हैं बेटा, नमक भी डालते हैं और ऑयल भी डालते हैं ना, कितना ऑयली ऑयली सा रहता है वो, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को रोकने के लिए हम नमक और उसमें ऑयल डालते हैं, जिससे कि वो टेस्टी भी होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अटैक नहीं करते हैं, है ना। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइट जो केमिकल हैं, ये क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, यानी कि खाने को बचाने का काम ये करते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड सॉसेज टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो ये सॉस हो गया, जैम है, इन सभी में इनका यूज किया जाता है, जिससे कि इनको स्पॉइल होने से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से प्रिजर्वेटिव्स पढ़े हमने, सॉल्ट, ऑयल, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव हमने पढ़े। तो नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से जो नॉर्मल नमक है उससे हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो एजेस, बहुत सालों से जो कॉमन सॉल्ट है, नमक जो है, उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फिश को प्रिजर्व करने के लिए, मीट को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो मीट और जो फिश होता है उसको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है सूखे हुए नमक से, ताकि जो बैक्टीरिया है उसमें ग्रोथ ना कर पाए। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मरिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो इमली होती है, जो मैंगोज होते हैं कच्चे मैंगो, आंवला जो होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसे बचाने के लिए ना, ओनली प्रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, रक्षित, मतलब बचाने वाला। ठीक है, और ऐसे प्रिजर्वेशन मीन्स संरक्षण, क्या जो बचाता है, या प्रिजर्वेशन बचाना, सड़ने से बचाना, सड़ने गलने से बचाना, उसे प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्टिंग का यूज़ किया था मींस कि सॉल्ट का यूज़ किया था। सॉल्ट का यूज़ नॉर्मली मीट को बचाने के लिए, फिश को बचाने के लिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए, आंवला को मैंगोस को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज शुगर से कैसे हम शुगर का यूज़ कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन बाय शुगर, यानी कि चीनी का यूज। जैम, जेलीज एंड सॉसेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर से क्या करते हैं, जैम जेली वगैरह जो होती है उसे हम बचाते हैं, उसमें मीठा मीठा लगता है ना हमें, जेली मीठी होती है, जैम मीठा होता है ना। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो शुगर क्या कर देता है, मॉइस्चर को कम कर देता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और रुक जाती है, जो कि खाने को खराब करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो उनको क्या कर देगी, उनके ग्रोथ को कम कर देता है, कौन, शुगर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर और तेल से कैसे प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। तो बैक्टीरिया ऑयल में भी नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, विनेगर वाले एनवायरमेंट में भी नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें हम यूज कर देते हैं। वेजिटेबल फ्रूट्स फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाई दिस मेथड। तो जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फिश है, मीट है, तो इसको भी ऑयल और विनेगर का यूज करके प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, तो गर्म करना और ठंडा करना जो ट्रीटमेंट है उसका यूज किया जाता है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। तो आपने ध्यान दिया होगा आपके घर में आपकी मदर जब भी मिल्क को रखना होता है या मिल्क को साइड रखती है तो ऐसे ही नहीं रख देती है, वो बॉइल करती है ना, पहले बॉइल करती है फिर स्टोर करती है। तो बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बॉइल करने के बाद जो मिल्क में दूध को खराब करने के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। सिमिलरली वी कीप आर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और साथ ही साथ अपने फूड आइटम्स को हम कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं ना, रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, तो जो कम टेम्परेचर होता है वो भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोक देता है क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाई डज द मिल्क दैट कम इन पैकेट्स नॉट स्पॉयल, तो बूझो पूछ रहा है जो मिल्क है जो पैकेट्स में आता है वो क्यों नहीं खराब होता है। माई मदर टोल्ड मी That the milk is pasteurized. What is pasteurization? Mother ने उसकी बताया कि ये pasteurized milk होता है। अब pasteurization क्या होता है? बूझो जानना चाहता है। तो चलिए जानते हैं, हमें भी तो जानना है ना pasteurization क्या होता है। तो pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. तो pasteurized milk जो होता है वो हम बिना boil किए भी पी सकते हैं क्योंकि इसमें harmful microbes नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये पास्चराइज मिल्क क्यों कहा गया फिर इसे, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 30 डिग्री सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। तो पास्चराइज मिल्क कैसा होता है, पहले उसे 70 डिग्री के आसपास 15 से 30 सेकेंड तक बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है, और अचानक से उसे ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, पास्चराइज कहते हैं। तो बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ऐसा करने से ये माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उनको रोक देता है, ठीक है। पहले क्या किया, 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री में बहुत हाई टेम्परेचर में हमने क्या कर दिया, दूध को गर्म किया, और फिर अचानक से क्या कर दिया, सडनली मीन्स अचानक, चिल्ड मीन्स ठंडा करके उसे स्टोर कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, पास्चराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर, तो लुइस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट थे, तो पाश्चर उनका नाम था, उसी के आगे उन्होंने पाश्चराइजेशन उसे बोल दिया क्योंकि उन्होंने वो डिस्कवर किया था, ठीक है। तो लुइस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पाश्चराइजेशन की मैथड हमें बताई थी, ओके। तो नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग, तो स्टोरेज कैसे होनी चाहिए, पैकिंग कैसे होनी चाहिए, तो दीज रेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो हम अच्छे से पैक करके, अच्छे से स्टोर करके भी माइक्रोबियल अटैक से जो खाना होता है या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको बचा सकते हैं। तो आजकल मार्केट में बिल्कुल बंद सील किए हुए वेजिटेबल्स और फ्रूट मिल रहे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था, इसी चैप्टर में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करी थी और लास्ट क्लासेस में भी हम पढ़ के आए हैं। तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7, क्लास 6 और 7 में आपने बैक्टीरिया का नाम सुना जिसे हमने राइजोबियम कहा, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट जैसे की पल्सेस। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है किस में, लेग्यूमिनियस प्लांट्स में, पल्सेस में। रिकॉल द राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट, तो याद कीजिए हमने पढ़ा था कि जो ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है ये कहाँ रहता है, रूट नोड्यूल्स में रहता है, किनके, लेग्यूमिनियस प्लांट जैसे कि पल्सेस, दालों, ठीक है। तो
स्टूडेंट्स, ये है 2.9 फिगर आपको दिखा रखा है, रूट ऑफ अ लेग्यूमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स। देखिए रूट नोड्यूल्स है ना, इसमें गांठ टाइप की नजर आ रही है, तो इन्हीं गांठों में ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है, सच एज बीन्स एंड पीज, बीन्स है, पी मटर है, बीन्स हैं, विथ विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इनके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी पढ़ा है, जिसमें एक दूसरे को बिना हार्म पहुंचाए वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सोर्सेस लेते रहते हैं। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, कभी कभी ऐसा होता है, जो लाइटनिंग होती है ना, बिजली चमकना वगैरह या सनलाइट जो होती है, इससे भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। ठीक है, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफियर रिमेन कॉन्स्टेंट, बट आपको पता है कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है हमारे एटमोसफियर में। यू मे वॉन्डर हाउ, आप वॉन्डर, आप सोचोगे कैसे, ठीक है, आप सरप्राइज हो जाओगे, जबकि चेंज भी हो रहा है तो फिर कैसे कांस्टेंट रह रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी तो हमेशा, हम इतनी सांस लेते हैं, इतने सारे लोग सांस लेते हैं, इतने सारे जानवर ऑक्सीजन लेते हैं, फिर भी ऑक्सीजन खत्म नहीं होती है ना। तो वैसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी 78% हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स यूज करते हैं, एनिमल्स यूज करते हैं, सॉइल में यूज होता है, लेकिन फिर भी वो 78% का 78% ही रहता है। कैसे, अब हम देखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल इसके लिए हमने पढ़नी पड़ेगी, तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम साइकिल को समझेंगे, इस साइकिल को हम समझेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल, तो आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस, 100% में से 78% जो पार्ट है वो नाइट्रोजन का है, 21% है हमारे किसका, ऑक्सीजन का, और फिर उसके बाद बाकी की गैसेस 0.003 कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे 0.01, ऐसे बहुत कम कम अमाउंट में क्या है, हमारी बाकी की गैसेस हैं। ठीक है, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, तो नाइट्रोजन हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी की बॉडी में प्रोटीन तो होता ही है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का पार्ट होता है, क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल में चाहिए, न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, उसमें भी प्रेजेंट रहता है, विटामिंस में प्रेजेंट रहता है, तो कहीं ना कहीं से हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल, तो प्लांट और एनिमल जैसे हम डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेते हैं ना एटमॉस्फेयर से, वैसे नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, ये क्या करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, और जो एटमोसफियर से नाइट्रोजन आती है ना, उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में तोड़ देता है या कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चेंज कर देता है। Once nitrogen is converted into these usable compound, और वो compound कैसे होते हैं, use करने लायक compound, तो एक बार जब ये compound use करने लायक हो जाते हैं, it can be utilized by plants from the soil, तो plant क्या कर देते हैं, soil से उसे ले लेते हैं, through their root system, अपने root से plant जल्दी से roots को activate करते हैं और soil में present usable nitrogen compound को ले लेते हैं। Nitrogen is then used for the synthesis of plant protein, उसके बाद प्लांट किस चीज में यूज करते हैं, प्लांट प्रोटीन बनाने में, और साथ ही साथ एंड अदर कंपाउंड्स को बनाने में यूज करते हैं, और ऐसे ही एनिमल क्या करते हैं, एनिमल वैसे तो नहीं ले सकते, एनिमल्स के पास रूट भी नहीं है, एनिमल सॉइल भी नहीं खाते हैं, तो एनिमल प्लांट्स को खाते हैं ना, एनिमल उन प्लांट्स को खाते हैं जिन्होंने नाइट्रोजन का यूज किया था, तो एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, तो एनिमल इन प्लांट्स को खाते हैं, इन प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, जिससे कि उनको प्रोटीन मिलता है और नाइट्रोजन के कंपाउंड, अदर नाइट्रोजन के कंपाउंड मिलते हैं, है ना। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे जो बैक्टीरिया और जो फंजाई प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे ना, प्लांट की डेथ हुई सॉइल में मिक्स हो जाएगा, ऐसे एनिमल की डेथ हुई सॉइल में मिक्स हो जाएगा, तो बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट, और साथ ही साथ जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, जैसे यूरिन वगैरह जो है, यूरिया वगैरह सब नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है
सॉइल में प्रेजेंट उसे क्या कर देती है, वापस से नाइट्रोजिनस कंपाउंड में यूज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, जिसे फिर से प्लांट यूज कर लेते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ दैम टू नाइट्रोजन गैस, और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट, कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, कुछ प्योर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि वापस एटमोसफेयर में चले जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट। तो इसी वजह से, क्योंकि लिया एनिमल ने लिया, प्लांट ने लिया, उसकी बॉडी में से हाँ जो एक्सक्रेशन हुआ, जो उसने एक्सक्रेट किया, जो मल त्याग उसने किया या यूरिन का जो निकाल, यूरिन जो उसकी बॉडी से निकला वो वापस सॉइल में मिक्स हो गया, एनिमल की डेथ हुई सॉइल में मिक्स हो गया, उसकी बॉडी से नाइट्रोजन गया, वापस वो नाइट्रोजन एटमोसफेयर में चले गया। इसी की वजह से जो नाइट्रोजन का परसेंट है हमेशा 78% का 78% ही रहता है, वो ना ही कभी ज़्यादा होता है और ना ही कभी कम होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अब हम इस साइकिल से इसे समझते हैं। ठीक है, ये है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि कभी कभी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपने छोटे छोटे कंपाउंड में लाइटनिंग के थ्रू भी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग बिजली चमकना वगैरह, और लाइटनिंग से ये क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल में नाइट्रोजन के यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो रेयर होता है, लेकिन इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है। लेकिन दूसरी प्रोसेस जो होती है, दूसरी प्रोसेस में क्या होती है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, जैसे ही एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आई, इसमें प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, उसे फिक्स करने का काम करता है, और जो बैक्टीरिया है इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, उसको नाइट्रोजन के अलग-अलग कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया आया और बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर से आ रहा था उसे फिक्स किया, उसके बाद उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, और नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर, नाइट्रोजन के कंपाउंड नाइट्राइड नाइट्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करने के बाद फिर सॉइल में मिक्स कर देता है, सॉइल में मिक्स हो जाएंगे यूज करने लायक नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड सॉइल में आ जाते हैं जो कि अब यूज करने लायक हो जाते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, एक बार यूज करने लायक हो गया तो ये तो क्या होता है, एक एक प्रोसेस तो इसमें इधर आगे चलेगी, इसमें क्या हो जाएगा, आगे जब चलेगी तो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड, एक हमने पढ़ा ना दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन के कंपाउंड को, यानी कि जिस फॉर्म में लिया था उसी फॉर्म में वापस कर देगा। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, एटमॉस्फेयर में भेज देगा। लेकिन प्लांट और एनिमल का क्या, प्लांट और एनिमल ने तो लिया ही नहीं ना अभी तक, तो यहां पे दो साइकिल चलती है। तो यहां क्या होगा, सॉइल से, सॉइल्स में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं वो प्लांट यूज कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट ने यूज किया उन प्लांट को, और उन प्लांट प्रोडक्ट को किसने खाया, एनिमल ने, एनिमल ईट प्लांट, एनिमल ने खाया, उसके बाद नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीशन किया, एक्सक्रीशन मीन्स मल त्याग करना, और डेथ भी हो जाती है, तो वो क्या हो गया, सब सॉइल में मिक्स हो गए नाइट्रोजन के कंपाउंड, वापस से ये फिर प्रोसेस चलते रहती है, और यहाँ से ये गया इधर, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिर से यूज हुआ, यहाँ से ये चल रहा है, यहाँ से ये चली, और लगातार ये प्रोसेस चलती ही रहती है। और ये प्रोसेस चलने की वजह से कभी भी नाइट्रोजन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में कम नहीं होता है, हमेशा 78% ये रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपका एक और होमवर्क है बेटा, आपने ये नाइट्रोजन साइकिल लर्न करनी है। ठीक है, आप लर्न करोगे। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है समरी, यानी कि व्हाट यू हैव लर्न, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो गया है, और अब हमने देखना है कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, लेट्स रिकॉल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड देर आर नो विजिबल टू द अनएडेड आई, तो दे एंड आर नॉट विजिबल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं और हम बिना माइक्रोस्कोप के या नॉर्मल आइज से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। ठीक है, दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट, सभी टाइप के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, बहुत ठंडे से, बहुत आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेके हॉट स्प्रिंग तक, डेजर्ट से लेके मार्सी लैंड तक, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, ये एयर में होते हैं, वाटर में मिलते हैं,
प्लांट में मिलते हैं और एनिमल में मिलते हैं, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर एक सेल वाले भी हो सकते हैं और बहुत सारे सेल वाले भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी। और वायरसेस दो डिफरेंट फ्रॉम अबव मेंशन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड माइक्रोब्स, तो वायरसेस इनसे थोड़े अलग होते हैं लेकिन ये भी किस में आते हैं, माइक्रोब्स में आते हैं। वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वायरसेस क्या होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या करते हैं, जिसकी बॉडी में जाएंगे उसकी बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर चले जाएंगे, प्लांट के अंदर चले जाएंगे, एनिमल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड एल्कोहल, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ मेडिसिन बनाने में और एल्कोहल बनाने में यूज़ किया जाता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं वेस्ट को, डेड प्लांट को, इनको सिंपल सब्सटेंस में, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है। और प्रोटोजोआ जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो डिजीज भी कॉज करता है, जैसे कि डिसेंट्री और मलेरिया को कॉज करता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में ग्रो करते हैं तो फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, और वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं एयर से और सॉइल में सॉल्युबल कंपाउंड या यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी को, उत्पादकता को वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और कुछ बैक्टीरिया सॉइल प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, उनको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, हमने इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर में सीखी, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर हमारा था लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इस चैप्टर से सीखी। और आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया ये चैप्टर पढ़ने में, या बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रिटर्न वर्क करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आपने रिवाइज करना है, रीडिंग करनी है और जो होमवर्क दिया है वो करना है, ठीक है। हैव ए नाइस डे।